देखो गायरी से पता नहीं है हम लोग आ चुके हैं पूरा 90 माइन। यू ऐसी महंगी है पैसे ना, ये तो पता नहीं है अभी। देखो पकड़ लिया हमने, देखो खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। रात को मैयत मनाते हैं ये मैयत। गाइस इसने कई बार सुई पी ली है, देखो बॉडी नहीं बनी। अरे यार क्यों, अरे अभी अंकित के साथ और जोर कह रहा एक बार और दिलवा के लाओ सामान, डोज कम रह गई। गाइस कुछ नहीं थी ये व्लॉग, ये चूरमा भाई ने अंकित डाइट से बता रहे वो इंजेक्शन रखे कान से निकल लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग की शुरुआत, काफ़ी दिनों बाद मेरी आंख नहीं खुल पा रही है, पता नहीं क्या होगा। रात को 11-12 बजे से पहले नींद नहीं आ रही और सुबह 5 बजे तो उठना भूल गया हूँ मैं, बहुत दिन हो गए। मैंने कि आज व्लॉग की शुरुआत कर ही देते हैं दोबारा, कैसे भी कुछ भी हो जाए। अब आज मंडे है, मंडे से दोबारा रेगुलर आने की कोशिश करूँगा। जितना भी वर्कआउट चल रहा था अभी तक कोई शूट नहीं कर पाया, शाम में चल रहा था। अब वर्कआउट का भी रहेगा, घूमना फिरना भी रहेगा, घूमने का प्रोग्राम बना भी रहा हूँ मैं। एक तो ऑफिस का काम क्याड़ा चल रहा था तो वो करना ही करना है। एक आँख निकल पा रही, नींद ऐसी गंदी आ रही है जिसका कोई जवाब नहीं। या तो हम गेनिंग पे चल रहे हैं उसकी वजह से, पर इतना गेनिंग कर ही नहीं रहा यार, मैं खाना ही घर का खा रहा हूँ। अब भी नींद आ जा रही है, एनर्जी नहीं है। सुबह के बजे सात बजे जिम में पहुँचे हम अपने, आज जिम में भी लौंडे ना आए कम है। चलो गाइस वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, डिप्स मारे फिर मिलेंगे आपसे। मैं घूमने भी नहीं जा पाया नितिन अरिगैल, ऑफिस का काम ही पहले, 2-3 बंदे ऑफिस से हट गए हमारे से तो सारा काम लोड अपने पे आ गया। 2 बार नितिन जा चुका पहले, अभी रानीखेत वगैरह गया था वहाँ भी नहीं गया मैं, फ़ोन आया उसका बेचारे का। फिर गौरव का फ़ोन आया, वो सारे वहाँ जा रहे थे वृंदावन, मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। अब की बार टूर बनाते हैं, फ़ोन करूँगा आ जाएगा वो शाम के टाइम, मिलूँगा उससे फिर निकलेंगे। एक ट्रिप गाड़ी से ही मार लें, बाइक स्कूटी वगैरह चल ही रही है। तो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, 1, 2, 3 इन पर तीनों पर डंबल फ्लाई और सब चीज़ें ना बाहर बनाता हूँ। ये खाने चला दी चिंपैंजी ने खा लेना। तो गाइस निकल चुके हैं घर के लिए, आज वर्कआउट बहुत ही हैवी कर दिया, बहुत ज़्यादा हैवी। हमको चक्री आ गई, चक्री तो भाई जो आजकल चल रहा है वाला यार, वो तो बस वो तो चल रहा है भाई। एक और सर रात सुनने में उत्तराखंड का हुआ है, एक चेन्नई का आया अभी, पता नहीं क्या हो रहा है यार पब्लिक को। भाई हम लड़कों से यही अपील करेंगे, आपकी माँ बहन है हाँ जो भी है, साले हरामी है ये जितने भी, इन्हें और कुछ नहीं मिलता। मतलब ये है ना यार, जैसा बचपन में सिखाओ वो सीखते हैं ये साले। भाई अपने इंद्रपुरम साइड ऐसा नहीं है, नहीं पता किसी के भाई, देख मानसिक स्थिति किसी की भी हिल सकती है। और ये है लड़कियों से कि सेफ रहो और किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास न करें बस। सो गाइस नहा धो के रेडी भी हो चुका हूँ मैं, घर से आते नहा लिया क्योंकि आज गर्मी का लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है, लेवल सबके बढ़ेंगे। धूप निकल गई है और वेदर रिपोर्ट में भी मैंने देखा 100% बारिश दिखा रहे हैं, होनी चाहिए क्योंकि इतनी उमस हो रही है, इसका कोई जवाब नहीं। पहले मैं सोच रहा हूँ कि स्कूटी कैसे निकलेगी मेरी यहाँ से, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी टाइम भी कुछ नहीं हुआ, 8:30 बजे, 8:30 बजे तक हम नहीं 9:15 रहे। तो गाइस सपोर्ट करना दबा के। अभी बाल कैसे हो रहे हैं वो अलग छोड़ो, मैंने ये हेलमेट लगाना, मुझे अब जाना थोड़ा सा दूर, इसलिए रुमाल बांध के ऐसे चिपक जाती है, खुलने के बाद ठीक है ना, टेढ़े मेढ़े कर लो ना तो फिर ऐसे बैठते हैं, सीधा नहीं होता। मिलते हैं। सो गाइस खाना वाना खा के निकल चुके हैं हम ऑफिस, टाइम हो रहा है 9:25। आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गया ऑफिस के लिए, थोड़ा सा काम है, काम ही काम है यार, थोड़ा सा क्या
पूरे दिन काम काम काम, खाना हराम। यार लग रहा बोतल से निकले हुए भूत है, राजपाल यादव वाला डायलॉग याद आ गया। एक के बाद एक काम देते ही जा रहे हो। चलो गाइस ऑफिस में मिलते हैं। गाइस यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया शायद, इसके लग गई है भाई चोट। कैसे हो, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ यार बंदे को? अच्छा मिर्गी का दौरा आ गया यार बंदे को। अरे भाई आगे करियो, मिर्गी का दौरा आ गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ, मिर्गी का दौरा आ गया भाई साहब। चाबी वाबी दी है कुछ, हो गया नॉर्मल हो गया। हाँ सांस जुड़ गया, नॉर्मल हो गया। ओ मिर्गी का दौरा वगैरह शायद हो गया नॉर्मल। चलो भाई ये तो बड़ा खतरनाक बीमारी है यार, कहीं भी रास्ते में ऐसा हो जाए। सर गाइस ऑफिस से निकला था, पीछे बारिश हो रही थी तो मैंने फोन निकाला नहीं। यहाँ पे इंद्रावरम में बिल्कुल नहीं पड़ रही, तो इंद्रावरम क्रॉस करके हम जा रहे हैं नोएडा 12:22। सी ऑफिस यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है बारिश ना हो रही हो, पीछे पड़ी हो भयंकर बारिश। तो मैंने फोन निकाला ही नहीं था। सर गाइस यहीं कहीं है सीए का ऑफिस, इस वाली गली में है। चलो सर गाइस यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं जिम के लिए लेट हो चुका हूँ। बैठ चुके हैं 6+, 6:30 बजे जिम जाता हूँ मैं। अभी यहाँ से पहुँचने में मुझे लगेगा आधा घंटा, पर जिम जाएंगे तो जाएंगे ही। यार ये रास्ता गलत ले लिया मैंने, चलो आगे से राइट मारते हैं, मिलेंगे अभी। गाइस ऑफिस टाइम हो गया मुझे, और वक्त लग रहा है घर पहुंचने में। यहाँ जाके थोड़ा खुला सा मिला है, तो फोन निकालने का टाइम नहीं मिला मुझे उधर। अभी तो इंद्रापुरम में शिप्रा मॉल के पास हो रही होगी जंग, मैदान जंग होती है वहां। तो वहां पब्लिक को खुद को बताने देता कि लेफ्ट जाना है राइट। अभी दिखाऊंगा ऐसा जख्म दिया है। पहली बार ऑफिस टाइम में यहाँ जाम नहीं मिला, तो क्यों झूठ बोलू, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल साफ सुथरा इलाका। भागे जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा वाइड एंगल आता है यार फ़ोन में, चेंज करके आईफोन लेते हैं 15-16 आ जाएगा सितंबर में, अगले महीने की बात है। 16 बढ़िया आया तो 16 देखेंगे, नहीं तो फिर 15 ले लेंगे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, रेडी भी हो चुका हूं, और कॉफ़ी लेनी थी, मोटर अंकित तैयार है, मैं तैयार हो गया घर पे आती, सीधा भागो मुआद धोए कपड़े चेंज करे और जिम। हमारे यहाँ चाय वाले हो गए, एक ये है एक उससे आगे है। पब्लिक को चाय पिला के मार डालेंगे। चल निकाल चाय वाले से स्टिंग लेके आ रहे हैं। हाँ वो तो नाम के लिए है, वो खुद वो मामा चाय वाले बनने, खुद सबका ही मामा बनना हो। छे चुल पे लहरा रही है मोटे की, तेल नहीं लगाया मोटे तूने आज, मालूम है? सो मार दी थी चेस्ट आज, एक मोटे बहुत बुरा हुआ। बाइक चलाते चलाते बंदे को मिर्गी का दौरा आ गया और बस उंदरा में गिर पड़ा हूँ, और हिले ही जा रहा बेचारा, हिले ही जा रहा। ये लहरा दे ये सांप बना दे, तो जाम आ रहा हो क्या सांप बनेगा? 16 साल को जिम में लेगा उससे इतना वर्कआउट करो सांप बना के भेजो ताले को। एक बार को 16 साल झेल जाएगा, कालू में नजिला कालू में कैल्शियम विटामिन प्रोटीन सब चीज की कमी है, वो भी एक साथ इकट्ठी, हड्डियों में विटामिन डी की भी कमी है। सुगा आ चुके टाइगर जिम, देख रहे हो रात आया। हाँ यार ये सुपर स्प्लेंडर, मजा आ गया गाइस, मजा
हम तो पहले ही आ गया यार, अलग अलग बॉडी बना के देखेंगे। चलो थोड़ी देर में पानी भर के लाया ना, क्या लाया? पानी। सो गाइस रेस्ट हो गया, कॉफी वॉफी पी डाली, प्री वर्कआउट खत्म है अभी। सामोसा शहनशाह 250 करोड़ की डील हो रही है जी, डील कर रहे हैं 200-250 करोड़ 400 करोड़, इससे मुझे कमी नहीं है। एक ही बेर खाना बस, उताई छुट रही है जिम की हमारी जी। चलो जी आज बना देते हैं बाइसेप्स। काम कर लो काम, पबजी को रहने दो, बताऊंगा। तो गाइस मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूं अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का। ये हमारे गुरु जी हैं, नहीं अब से यही कराते हैं, इन्हीं का वर्कआउट दिखाऊंगा आज मैं ब्लॉग में। तो गाइस शाम का वर्कआउट कंप्लीट, अंदर बहुत सारे गाने चला के रखे हैं यार, ये चलते रहे, आवाज आती रहे, कॉपीराइट मार देते हैं टी सीरीज वाले। गर्मी ज्यादा हो रही है, इन्होंने एग्जॉस्ट फैन नहीं चला रखा है। अब गेनिंग करेंगे, थोड़ी सी कटिंग करी, पेट बिल्कुल हमने खत्म कर दिया है, इतना सा बच रहा है, ये बाहर तो नहीं है वो। बारिश कुछ दिन और लगेंगे, ये तो नहीं निकालने, इनके चक्कर निकालने निकालने हम सूख के ढाकर हो जाएंगे, हम ये हमारी लैंग्वेज में ढाकर मतलब पतले हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। चलो पानी पी के चलते हैं बाहर, अंकित थोड़ी बहुत कार्डियो करेगा कर लेगा, मैं नहीं कर रहा, तो मैंने सुबह कर लिया। दिन में आए थे रात कर डाली, इनका पबजी चल रहा होगा अभी, चल अंदर ना बाहर खड़े भाई। तो गाइस ये दोनों भी आ लिए, अपन भी चल रहे हैं। स्कूटी पर 240 किलो वजन लदेगा, मेरे अंदर 81 हो गया, मोटे में भी 80 हो गया, 105 से 80 किलो तेजी आ गया, मोटा 108 से ढाई महीने के अंदर अंदर। अंकित में है 87 के आसपास, तो ये समझ लो 280 मान लो चारों में मिला के, तो 240 किलो वजन, बेचारी चल पाएगी? तेल भी नहीं है तुझ में तो, मोटे की है। चलो गाइस घर मिलते हैं, और कुछ नहीं। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम घर, इसमें थोड़ा सा व्लॉग ऐड करूंगा मैं 15 अगस्त वाला दिन सुबह सुबह का, क्योंकि हमने कालू को रंगे हाथ पकड़ा था, तो वो देखना ना भूलें। टिंग टोंग हट जा मोटे, तेरे पापा बाहर खड़े हैं, तेरे मोटा यहाँ पे छुपता है जिम से आके, कि बता था कि मैं 9 बजे आता हूँ, छोड़ के बैठने को मिल जाता है। फिर बोतल कहाँ? ओके चलो गाइस बिरयानी आ चुकी, ये देखो ये डेली का बकरा है, जैसे कोई मांग न ले तो कुछ तो खाता है चावल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही है। क्या रूल नहीं है? क्या रूल नहीं है? क्यों नहीं है रूल? हाँ तो वही तो चोर, हम नहीं खाते हैं मंगा मंगा के, सब नहीं खाते, सबको खाते हैं तो वही तो चोर है ना, तो खाने का सुअर। गाइस काले लोग काले होते हैं, शकल से पर हमें पता चला ये दिल से भी काला है।